सुनो कविता, कविता पढ़ने और सुनने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर तब समझ में आता है जब आप कविता पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते हैं। भाव, परिस्थिति, रंग, मनस्थिति, जो भाव शब्दों में ढला है जब आवाज का स्पर्श पा जाता है तो जीवित हो जाता है। जीवित हो जाती है कविता आवाज के छूने से। सुनो कविता में फिर एक बेहतरीन कविता आपके लिए, प्रीता जी की आवाज में। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए खत लिखूं कि कल रात बारिश हुई, ठंडी हवाओं ने मुझको छुआ, पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरी इस बात पर, इसलिए हर बार एक कोरे कागज पर अपना और तुम्हारा नाम लिखकर पोस्ट कर देती हूँ, तुम्हारे अधूरे पते के साथ। पता नहीं वो खत तुमको मिलता भी है या नहीं। अंतिम खत की तारीख अगर तुम्हें याद हो आए तो बताना, साथ में ये भी बताना कि दोपहर या सुबह या फिर शाम कौन सा वक्त था, खिड़की के बाहर धूप थी, छांव या फिर बारिश। शायद खत के साथ मैं भी तुम्हें याद आ जाऊं। मैं भी तो अक्सर बरसात के दिनों में अपना अम्ब्रेला घर पर ही भूल आया करती थी, और तुम मेरे घर के अंतिम मुहाने तक आने के बाद भी बिना पीछे मुड़कर देखे मुझे छोड़कर लौट जाते थे। काश कभी तुम्हारा हाथ पकड़कर घर तक ला पाई होती, और फिर जब तुम लौटते तो मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे घर तक जाने का हठ कर पाई होती। एक बहुत बड़ा भटकाव खत्म हो जाता, फिर ना तुम भटकते ना ही हम अपने रास्ते से अलग होते, और वो खत बारिश में भीग जाने के बाद भी अपना रंग नहीं खोते। काश कि हम दोनों दो नहीं होकर एक ही होते। काश खत की जगह हम दोनों एक ही पन्ने के दो अलग अलग पृष्ठ पर अपनी अपनी अधूरी प्रेम कहानियां लिख पाते। काश कि मेरे भेजे खतों के जवाब आते। काश कि नोटबुक में रखे गुलाब खिलना जानते। काश हम दोनों उस दूर जाती सड़क पर पहले की तरह नंगे पांव चलते हुए घर लौटना भूल जाते। काश कि वो बारिश वक्त पर थम जाती, जो सिर्फ पलकों को भिगो जिंदगी की हर खूबसूरत तस्वीर को धुंधली कर देती।